मजे में होंगे। आज हम हिंदी विषय के अंदर हमारा इकाई नंबर 5 यानी कि कविता हिंद देश के निवासी, तो इस कविता के अंदर हमने आज विविधता में एकता जो भारत के अंदर है इसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। हिंद देश के निवासी आखिर कौन है, किसे हिंद देश का निवासी कहा गया है, और अनेकता में एकता ही हमारी जो शान है, हमारे इसीलिए हमारा भारत जो है वो महान है। तो हमारा भारत जो है वो विविधता में एकता के शान के कारण, उसकी प्रतिष्ठा के कारण हम इसीलिए जाने जाते हैं, और इसीलिए हमारा भारत जो है वो महान है। क्या है? महान। तो विविधता में एकता हमारे देश की एक बहुत बड़ी विशेषता है, यानी कि हिंद यानी कि हमारे भारत देश, यहां पे हिंद यानी कि भारत देश के अंदर बसने वाले लोग, इसकी बात की गई है। तो आखिर निवासी यानी कि रहने वाले लोग, बसने वाले लोग, इसके अंदर जो बसने वाले लोग हैं, साथ ही उसका विकास कैसे होता है, उसकी शक्ति का परिचय क्या है, और भारतीय एवं उसकी प्राकृतिक जो विविधता है उसमें क्या अलगता है, वो देखने वाली बात यहाँ पे है। तो विविधता में एकता होने का अर्थ क्या है? अलग अलग होने पर भी हम एक है। भारत देश जो है उसमें बसने वाले अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग भाषा के लोग, वो अलग अलग होते हुए भी कैसे हैं? एक है। अलग अलग होने का मतलब ये नहीं है कि सब अलग अलग है, अलग अलग है होने पर भी हम एक है, हमारी एकता की पहचान है, ये इस काव्य के अंदर उजागर किया हुआ है। जैसे कि बाघ में बाघ एक होता है, जैसे कि बाघ एक होता है परंतु उसमें अनेक प्रकार के फूल होते हैं, जैसे कि गुलाब, गेंदे का फूल, चंपा, चमेली और भी बहुत फूल यहाँ इस बाग के अंदर खिलते हैं बच्चों। तो हमारी जो ये विविधता है उसमें हम जो एकता है उसको बताने का यहां मैं प्रयास कर रहा हूं। आप सब लोग देखें तो यहाँ पे इस तरफ टेलीविजन के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे धर्म के पहले तो प्रतीक दिखाए गए हैं। जो भारत है उसमें विविधता में क्या है? एकता है। तो ये भारत के प्रतीक है, ये हिंदू का प्रतीक है, ये मुसलमान का प्रतीक है, ये ख्रिस्त धर्म का प्रतीक है, और ये सिख धर्म का प्रतीक है। तो मित्रों देखो, दोस्तों, विद्यार्थी मित्रों, यहाँ अलग अलग धर्म के आपको प्रतीक दिखाए गए हैं, तो इसका हम आगे भी अभ्यास करते हैं। यहां देखो, अलग अलग जो व्यक्ति है उसके हाथ दर्शाए गए हैं, और क्या लिखा है? जात पात के बंधन तोड़ो। हमारे यहाँ जो जाति है, जो पाति है, यानी कि अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग उसके प्रतीक है, वो भारत को जोड़ना है, और भारत को जोड़ना है, अलग अलग धर्म के लोग, इसके बंधन को हमें तोड़ना है, और तोड़कर फिर एक होकर हमें रहना है। ये जो एकता है हमारी, यही यहां दर्शा रही है। यहां पे देखो, क्या एकता में ही बल होता है, ये इसका प्रतीक है। एक हाथ से दूसरा हाथ जोड़ो, और इस हाथ को जोड़ने के बाद हमारी जो एकता है, ये इसका प्रतीक यहां दिखा रहा है कि भारत की एकता में ही उसकी विविधता जो है वो छुपाई गई है और छिपी हुई है, इसीलिए भारत विविधता में एकता में गिना जाता है। यहाँ पे देखो, वंदे मातरम, यहाँ पे हमें भारत का जो अशोक चित्र है वो दिखाया गया है, दिल्ली का जो हमारा लाल किला है वो दिखाया गया है, और अलग अलग जाति के लोग दिखाए गए हैं, ये ईसाई है, ये मुस्लिम है, ये सिख है और ये हिंदू है,
इस प्रकार हमारा भारत देश जो उसका एक ध्वज है, उसके प्रकार में हमें हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई का धर्म का विविधता में एकता का प्रतीक यहाँ दिखाया गया है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ देखो हमारे त्योहारों की अलग अलग परंपराओं के चित्र दिखाए गए हैं। हमारा फेस्टिवल, हमारे त्योहार कहते हैं कैसे, जैसे कि पतंग महोत्सव होते हैं, फिर पंजाबी जो भांगड़ा लेते हैं, फिर क्रिकेट है हमारी राष्ट्रीय जो रमत है वो है अभी, और यहाँ पे नृत्यांगना है, फिर यहाँ पे अलग अलग गाय का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, फिर एक पक्षी जो है वो हमारे शांति का प्रतीक यहाँ दिखाया गया है। अब आगे देखे देखो यहाँ बच्चों लिखा गया है, एकता के साथ रह नामुमकिन कार्य मुमकिन हो जाता है, एकता के साथ रह नामुमकिन कार्य भी मुमकिन हो जाता है। तो ये जो नामुमकिन कार्य होता है मुश्किल से मुश्किल, वो भी यहाँ एकता से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। आगे ये हमारे इंडिया का मैप नक्शा है और इसके अंदर अलग अलग धर्म और अलग अलग विविध जो हमारे तिरंगा है उसके कलर से इसको नवाजा गया है, इसको सजाया गया है। आगे यहाँ देखो क्लिक करके सभी धर्म की एक, अब एक ही पुकार, सभी धर्म की एक ही पुकार, एकता ही स्वप्न को करे साकार। हमारे विविध धर्म की सिर्फ एक ही आवाज होनी चाहिए और वो आवाज ये कि सपनों में उसको हमें एकता को साकार करना है, क्योंकि हमारे बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इसके साथ शामिल है। यहाँ भी देखो ये हमारी आन बान और शान है, भारत की शान एकता, भारत की पहचान एकता और विविधता में एकता का प्रतीक जो है वो है हमारा भारत। और यहाँ पे ये सब जो लड़के और लड़कियां खड़े हैं वो एक हाथ जोड़कर खड़े हैं कि ये हमारे एकता के प्रतीक यहाँ दर्शाए गए हैं। एकता में अनेकता में एकता है, सिर्फ एक ही नहीं है, अनेकता में एकता ही हमारी शान है भारत की। इसीलिए तो हमारे भारत महान है, हमारे भारत की विविधता में यानी कि अनेकता में एकता है, इसीलिए हमारी ये शान है, हमारी ये प्रतिष्ठा है, इसीलिए तो हमारा भारत बड़ा महान है। द पावर ऑफ यूनिटी, हमारी ताकत ही, हमारी बल ही हमारा प्रतीक है, क्योंकि हमारा जो हमारी पावर जो है वो हमारी शक्तियों के अंदर समाई हुई है। एक हाथ से दूसरा हाथ को जोड़कर हमारे भारत देश के ऊपर कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता है, क्योंकि द पावर ऑफ यूनिटी, एकता ही बल है। यहां देखो सब एक कतार में खड़े हुए हैं लोग, और क्या दर्शा रहे हैं, एकता में ऐसी शक्ति है, एकता शक्ति के समान है जो तोड़ सकती है बड़े से बड़ी मुश्किल को। आओ एकता का मार्ग अपना कर हम नवयुग का आरंभ करें। हमारी एकता ही हमारी शक्ति है, हमारी ताकत है, बड़े से बड़े जो मुकाम होते हैं वो हासिल कर सकते हैं, और इसके साथ एकता का मार्ग है वो हमें अपनाना है, और इसके जो नवयुग का स्वप्न है वो हमें साकार करना है, उसकी शुरुआत करनी है। तो ये जो है हमारे एक हाथ से दूसरे हाथ जो अलग अलग है धर्म के प्रतीक वो दिखाए गए हैं। यहाँ पे फिर से एक बार सभी धर्म के प्रतीक है, देखो यहाँ हिंदू का है, यहाँ मुसलमान का है, यहाँ अवेस्ता का है, यहाँ पे सिख का है, यहाँ पे फिर से जो पारसी है उसका है, ये जो है वो अलग अलग प्रकार से दिखाए गए हैं, यहूदी का है, और ये जो है वो फिर से एक अलग जाति जो है उसके सभी सिंबल यहाँ पे दिखाए गए हैं। आगे देखते हैं भारत में फिर एकता के अनेक जो त्योहार है उसके बारे में दिखाया गया है। देखो यहाँ पे हमारे दशहरा का त्योहार, यहाँ नवरात्रि का त्योहार, यहाँ सिखों का त्योहार, ये सब यहाँ दिखाई दे रहे हैं। भारत जो है वो संस्कृति का न्यास है, हमारी संस्कृति वो हमारी यूनिटी है, हमारी भारत की संस्कृति सबसे महान है और सबसे ऊपर है, ये यहाँ दर्शा रहे हैं। विविध धर्म गुरुओं के द्वारा, विविध हमारे बुद्ध जैसे महान व्यक्तियों के द्वारा इसको दर्शाया गया है यहाँ पे। ये देखो हमारे
भारत माता का चित्र है, जो हमारा आज हिंद माता, हिंद माता का संबोधन, जो यहाँ हमारा काव्य है हिंद देश के निवासी, संबोधन नहीं पर हमारा काव्य हिंद देश के निवासी है, जिसे मैंने आपको कहा था भारत माता, तो यही है हमारी भारत माता का प्रतीक। भारत अखंड कैसे है, क्योंकि इसमें एकता है, क्योंकि इसमें यूनिटी पावर है, क्योंकि इसमें एकता ही उसकी शक्ति उसकी ताकत दिखाई गई है, इसीलिए यह भारत अखंड है। और यह अखंड भारत का जो है वो यहाँ चित्र और हमारी भारत माता है वो यहाँ दिखाई गई है, इसलिए तो कहते हैं अब के बरस तुम्हें धरती की रानी कर देंगे अब के बरस। ये जो क्रांति का गीत है वो हमारी इस धरती की माता यानी कि भारत माता का ये प्रतीक यहाँ दर्शा रहा है, उसको रंगों से सजाना है, उसको त्योहारों से मनाना है, और भारत माता की रक्षा करने वाले जो सैनिक है वो भी इस भारत की सरहद की रक्षा करते हैं और हमारे भारत की एकता को बनाए रखते हैं। राष्ट्रीय एकता और अखंडता, भारत की राष्ट्रीय एकता और अखंडता का यह प्रतीक है। यहाँ पे देखिए, एकता पैदा करती है लोग के माध्यम मृदु भाव, एकता में लोगों के अंदर मृदु भाव जो है वो पैदा करते हैं। हो कितनी भी मुश्किल, हो कितनी भी मुश्किल है, यह जीवन में नहीं होती होने देती है उसका प्रभाव। हमारे जीवन में मुश्किलात आते हैं, कई सारी कठिनाइयां आती है, लेकिन इसको ये पैदा नहीं होने देती है, तो ये इसका प्रतीक है। तो मित्रों, हमारा जो यहाँ चित्र का सेशन है वो यहाँ पे क्या होता है, पूर्ण होता है। अब यहाँ हम हमारी कविता जो है उसके अंदर आ जाते हैं, जिसका नाम है हिंद देश के निवासी। तो हमने अलग अलग धर्म के प्रतीक देखे, अलग अलग धर्म के चित्र देखे, जिससे आपको यह यकीन हो गया होगा कि भारत की विविधता में एकता है, भारत की किस्में विविधता में एकता का प्रतीक है। भारत की विविधता में एकता के प्रतीक, भारत में विविधता में एकता के प्रतीक ही उसकी शान है। क्या है उसकी शान, जो हमने अभी अभी इसको देखा है मित्रों। तो भारत देश जो है उसमें क्या है मित्रों, तो भारत देश में विविधता में एकता होने का अर्थ यही है कि अलग अलग होने पर भी वो एक है। कैसे है, एक है, एकत्व उसके अंदर निखर कर उसके अंदर उभर कर बाहर आता है। तो हाथ में भिन्न भिन्न साइज की 5 उंगलियां होती है। हमने क्या देखा, भारत में एकता के विविधता के प्रतीक हमारी हथेली भी है, ये हथेली है, उसमें भिन्न भिन्न अंग क्या है, उंगलियां है, जो भिन्न भिन्न होकर भी क्या है, एक है। भिन्न भिन्न होकर भी यह मुट्ठी जो है वो हमारी एकता का प्रतीक है, जो हमने यहाँ चित्र के अंदर देखा है कि हमारी एकता, हमारी अखंडता, हमारी यूनिटी ही हमारा पावर है, हमारी ताकत है ना, वही भारत को महान बनाती है। तो भारत में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, उसकी वेशभूषा भी हमने देखी, अलग अलग प्रकार के त्योहार भी हमने देखे बच्चों, अलग अलग धर्म के गुरुओं को एवं हमारी संस्कृति को हमने देखा, उसके साथ साथ हमारी वेशभूषा भी, उसके पहनावे भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि हिंदू होते हैं तो वो क्या पहनते हैं, अपनी जो धोती है और कुर्ता है वो पहनते हैं। मुसलमान लोग होते हैं वो पायजामा पहनते हैं और ऊपर कुर्ता और माथे पे टोपी पहनते हैं। ख्रिस्ती जो लोग होते हैं वो अपने माथे पे प्रतीक पगड़ी बांधते हैं और उसके जो प्रतीक है उसको अपनी पगड़ी के ऊपर रखते हैं, और सिख जो है इस तरह अपने पहनावे को पहनता है। उसी तरह तमिल जो होते हैं वो क्या करते हैं,
एक कपड़ा सफेद कपड़े की धोती और ऊपर शर्ट जो है वो पहनता है, ये उसकी पहनावे है, ये उसकी वेशभूषा है, ये उसका ही प्रतीक है। तो ये वेशभूषा के साथ साथ आपको यहाँ दिखाया गया है सब। और जो ईसाई लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो पैंट और शर्ट सूट बूट में रहते हैं हमेशा, और उसी की तरह जो ड्रेस के अंदर पहनावा होता है उसकी पत्नी जी जो होती है वो उनके ड्रेस में होती है, तो उसकी वेशभूषा होती है। हाँ, इवन यहाँ बोली भी अलग होती है, इसके रीति यानी कि रीति रिवाज भी अलग प्रकार के होते हैं। जैसे कि हिंदू होती है तो उसमें रीति रिवाज कुछ होते और होते हैं, विधियां भी अलग अलग प्रकार की होती है। मुसलमान होते हैं तो उसमें विधियां अलग अलग प्रकार की होती है। वो सब लोग अपने मंदिर में नहीं जाते, वो मस्जिद के अंदर जाते हैं, और हिंदू लोग मंदिर के अंदर जाते हैं, वो प्रणाम के करके उसका जो प्रणाम का है वो प्रतीक है। और जो मुसलमान लोग हैं वो दो हाथ फैलाकर अल्लाह से दुआ मांगते हैं, ये इसका प्रतीक है। और जो सतनाम है, जो सतगुरु है सिख, वो माथे पे पगड़ी बांध के गुरुद्वारा के अंदर जाते हैं, ये जो इनकी विविध धर्म के प्रतीक है उसके वेशभूषा उसके रीति रिवाज माने जाते हैं। और बोली पंजाबी पंजाबी में बोलते हैं, गुजराती गुजराती में बोलते हैं, मराठी मराठी में बोलता है, और हिंदी जो राजस्थानी है वो राजस्थानी भाषा में बोलता है, जो तेलुगु है वो तेलुगु भाषा में बोलता है, जो कोलकाता है वो बंगाली भाषा में बोलता है। इस प्रकार अलग अलग की भाषा होती है। जम्मू कश्मीर में जो लोग होते हैं वो पठानी भाषा बोलते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भाषा जो है वो विविधता में एकता के ही प्रतीक है। अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग पहनावे हैं, अलग अलग रीति रिवाज है बच्चों। तो इसी रीति रिवाज का प्रतीक भारत में हमें देखने को मिलता है। यहां तक कि हमारे जो खान पान की व्यवस्था है उसमें भी अलग अलग प्रकार की वानगी हम देखते हैं। जैसे कि गुजराती होते हैं हिंदू साग रोटी ये सब खाते हैं, मुसलमान होते हैं तो उनके कुछ बिरयानी ऐसे वगैरह वगैरह जो भोजन होते हैं वो खाते हैं, पंजाबी होते हैं तो वो लस्सी वगैरह पीते हैं। तो उसी प्रकार उसका भोजन भी अलग प्रकार का होता है, विविध प्रकार के होते हैं, एक फिर भी अलग अलग होकर भी एक भारतीय है, और अलग अलग होते हुए भी हम सब भारतीय है इसकी भावना हमारे अंदर उजागर होती है। हमने वो एनसीसी का गीत सुना है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं, अपनी मंजिल एक है, हाँ एक है, हो एक है, हम सब भारतीय हैं, हम सब भारतीय हैं। तो ये गीत क्या दर्शा रहा है बच्चों? तो ये गीत यही दर्शा रहा है कि हमारी विविधता में भी हम भारतीय सब एक होकर रहते हैं, यही हमारा प्रतीक है। तो विविधता में एकता होना ही हमारे भारत की विशेषता है। हमारे भारत की आखिर विशेषता क्या है? भारत की बहुत बड़ी विशेषता यही है कि उसमें विविधता होने पर भी वो एक होकर रहते हैं। और हमारी जो संस्कृति है जिसमें हमने देखा, हमारी संस्कृति के बड़े बड़े महान गुरु, हमारे ग्रंथ, हमारे विविध प्रकार के जो ग्रंथ है, हिंदू का जो भारत महाभारत है, रामायण है, मुस्लिम का कुरान है, सिख का गुरु ग्रंथ साहिब है, इसी तरह पारसियों का अवेस्ता नाम का ग्रंथ है। तो वो अलग अलग जो संस्कृति के ग्रंथ है वो भी हमें दिखाते हैं। हमारे सामाजिक व्यवस्था भी अलग अलग प्रकार की होती है। शारीरिक यानी कि भाषाएं भी अलग अलग प्रकार की है। धार्मिक एवं राजनीति भी अलग अलग प्रकार की है। अलग अलग प्रकार के वैचारिक दृष्टि से भी हमारी अलग अलगता है। लेकिन मनोवैज्ञानिक अनेक प्रकार के भेदभाव के बाद भी एकता होने का एकीकरण हमें यहाँ मिलता है कि मनोवैज्ञानिक ने कई सारे सर्च किए हैं लेकिन तब भी यही एक कारण आया कि भारतीय जो है वो विविधता इसमें होकर भी, इसकी संस्कृति देखो, इसके रीति रिवाज देखो, इसकी राजनीति देखो, हाँ तो वो सब है वो अलग अलग होते हुए भी वो एक होकर रहते हैं। इसका यहाँ हमें क्या होता है, एकीकरण का, हमें एकता का प्रतीक मिलता है।
हमारे एकीकरण का होने का यह दावा करता है। आगे देखें तो विविधता में एकता होने से देश की ताकत बढ़ती है। तो हमने चित्र भी देखा था कि हमारी विविधता में एकता होने से ही हमारी जो ताकत है, हमारी जो पावर है वो बढ़ती है। जैसे कि ये उंगलियां अलग अलग हो जाए तो वो कोई काम की नहीं, लेकिन जब एक हो जाए तो किसी को मारे तो एक होकर हमारी ताकत का उसको अंदाजा दिखा सकते हैं कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। इसलिए हर एक भारतवासियों को एक होकर रहना चाहिए। आगे क्या है, तो विविधता में एकता सबको एक साथ बढ़ने, एक साथ खड़े होने के लिए मदद करती है। अब विविधता में एकता क्या है, तो इसका दूसरे संदेश ये है कि विविधता में एकता होने पर भी हम सबको एक साथ खड़ा करने में वो मदद करती है। भारत के सभी एक साथ खड़े हो, एक ही कतार में खड़े हो, ये सबसे बढ़िया और अच्छी बात है। तो हमने इसके प्रतीक भी देखे थे कि भारत की एकता यूनिटी पावर क्या है। दूसरा, विविधता खुशियां एवं उत्साह लाती है। हमारी विविधता और क्या लाती है, हमारे अंदर आनंद, हमारे अंदर उत्साह, हमारे अंदर का जो एक ताकत है वो उसको बढ़ाती है, उसको बढ़ने के लिए एक ताकत बनती है, एक मार्ग बनती है जिसके ऊपर चलकर हम अपने सफलता के शिखरों तक पहुंचते हैं। बच्चों, तो यह भारत की विविधता में एकता की शक्ति और शांति का प्रतीक था। यह क्या था बच्चों, भारत की विविधता में एकता की शक्ति और शांति का प्रतीक है। तो कबूतर जो है वो हमारा शांति दूत है, हमारे यहाँ का सिंह जो है वो शक्ति का प्रतीक है। कि भारत माता के पीछे आपने देखा होगा उसका वाहन क्या है, सिंह है। हम सिंह जैसे बलवान है, ये हमें दिखाता है हम भारत माता के सपूत है। तो हम भारत माता के जो सपूत है, उसके पुत्र है, उसकी हमें रक्षा करनी है, उसकी हमें रखवाली करनी है, और इसकी ही ताकत और इसकी ही शक्ति का प्रतीक हमें यहां देखने को मिलता है। विविधता में एकता हमारी विरासत है। विरासत यानी कि हमारी जो पुरानी पड़ी हुई पूंजी है वो विविधता में एकता बरसों से चली आ रही है। हम अंग्रेज के चंगुल में से छूट गए, हम आजाद नहीं थे, गुलाम थे। हमारे देश को हमने अंग्रेजों के चंगुल में से छुड़ाया, तब क्या दिखाई दिया, तब हमारे विविधता में एकता दिखाई दी। हमारी ताकत का अंदाजा उस अंग्रेज को लगा कि यहाँ पे अब शासन करना अच्छा नहीं है, ये सब अब लोग जो है वो हमें यहाँ रहने नहीं देंगे, एक हो गए हैं, एक जुट हो गए हैं, और एक जुट होकर हमने सामना किया, हमारे भारत देश को हमने आजाद करवाया। यही तो हमारे विविधता में एकता का प्रतीक है। आगे क्या है, तो विविधता में एकता से एक खुशहाल और बेहतर समाज बनता है। विविधता में एकता से विविधता में एकता से एक खुशहाल और बेहतर क्या बनता है, बेहतर समाज बनता है। बेहतर समाज क्या होता है, बनता है। तो हमारे भारत की ये सब विशेषता है मित्रों, कि हमारी खुशहाली को बढ़ाती है, बेहतर एक समाज का निर्माण करती है। देखा था ना, हमें हमारी खुशहाली का आरंभ करना है, एक बेहतर समाज का निर्माण करना है, ऐसा एक स्लोगन हमने देखा था। तो यही है हमारी भारत की विविधता में एकता। और क्या देती है, तो कि
विविधता में एकता हमारी विरासत है। क्या है? हमारी विरासत है। विविधता में एकता शक्ति और शांति का प्रतीक है। और क्या है? तो क्या भारत में विविधता में एकता शक्ति और शांति का शक्ति और शांति का क्या है? प्रतीक है। हाँ, भारत के विविधता में एकता शक्ति और शांति का प्रतीक है, हमारी विरासत है। इसके बारे में आगे बात करते हैं। विविधता खुशियां एवं उत्साह लाती है। हमारे भारत में विविधता है तो इसीलिए हम कह सकते हैं विविधता खुशियां एवं उत्साह लाते हैं। उत्साह लाती है, लाते हैं नहीं पर लाती है। विविधता खुशियां एवं उत्साह लाती है। तो हमारे यहाँ ये सब होते हुए भी क्या होता है? हमारी विविधता में एकता का प्रतीक है। और क्या दिखाया गया है? तो और आगे दिखाया गया है, जाति पाति तोड़ दो, भेदभाव को छोड़ दो। इसके लिए थोड़ी सी पंक्तियां हैं। ऐसा कहा जाता है, जाति पाति छोड़ दो, भेदभाव तुम तोड़ दो, भेदभाव तुम तोड़ दो। तो क्या है बच्चों? जाति पाति को हमें छोड़ देना है। यहाँ किस जाति का है, कौन कौन किस पाति का है, ये सब हमें भूलकर इस भेदभाव को हमें तोड़ देना है, मिटा देना है। और फिर अनेकता में एकता ही, अनेकता में एकता ही, अनेकता में एकता ही हमारी शान है, हमारी शान है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए तो हमारा भारत महान है। इसी लिए तो हमारा भारत देश, हमारा भारत महान है। हमारा भारत क्या है? महान है। आगे एकता से हमारा अस्तित्व है, एकता से हमारा क्या है? अस्तित्व है। एकता से हमारा अस्तित्व है, कायम रहता है। अस्तित्व कायम रहता है। विभाजन से हमारा पतन होता है। विभाजन से हमारा पतन होता है।
क्या कहते हैं जॉन डिस्किन, जॉन डिस्किन डिस्किशन, जॉन डिस्किशन ने कहा है एकता से हमारा अस्तित्व रहता है कायम और विभाजन से हमारा पतन हो जाता है। अगर हम भारत देश को स्वतंत्रता दिलाने में उस वक्त हमारा विभाजन हो गया होता तो हम आज आजाद नहीं हुए होते। उस वक्त हमने क्या किया, हमारी जो एकता है, ये जो एकता है वो हमें, इस अस्तित्व को हमने कायम रखा, हमारी एकता का जो अस्तित्व है उसे हमने कायम रखा, इसीलिए क्या किया हम भारत देश को छुड़वाने में, क्या हुए भारत देश को छुड़वाने में हम सफल रहे। तो बच्चों आज की जो एक पहली काव्य की शुरुआत है, इसके अंदर हमने चित्र देखे, भारत में कैसे विविधता में एकता है उसके स्लोगन देखे, उसके वाक्य देखे, तो इस कविता की समझ हम अगले तास के अंदर लेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।